ओम शांति। अज 3/11/2024 की बाणी है अव्यक्त बाप दादा दा रिवाइज कोर्स। रिवाइज कोर्स की तारीख 25/10/2002। आज बाप दादा ने टाइटल दिया ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी दी रियलिटी। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी दी रियलिटी। आज बाप दादा दोनों आखते ने अज स्नेही दा सागर अपने स्नेही बच्चों देख रहे हैं। चारों पासे दे स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी विच बंधे हुए अपने स्वीट होम विच पहुँच गए हैं। जिमें बच्चे स्नेह नाल खिंच के पहुँच गए है उमें बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर विच बन्या होया बच्चों के सम्मुख पहुँच गए है। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों पासे दे बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह विच समाए हुए है। समुख दे बच्चों नू भी देख रहे हैं अते दूर बैठे बच्चों नू भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। ये रूहानी अविनाशी स्नेह परमात्म स्नेह आत्मिक स्नेह सारे कलब विच हले अनुभव कर रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की पवित्रता की रियलिटी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रियलिटी है ही प्योरिटी। तो हर बच्चे दे सिर ते रूहानी रियलिटी का ताज देख रहे हैं। तुसी सब भी अपने प्योरिटी का ताज रूहानी रियलिटी का ताज देख रहे हो। पिछे वाले भी देख रहे हैं किन्नी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव। ताज चमक रहा है ना इमें दी शोभा देख रहे हो ना कुमारियां ताजधारी कुमारियां हो ना। बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रियलिटी फैमिली किन्नी श्रेष्ठ है। अपने आनंदी रियलिटी नू याद करो। जदों तुसी आत्मा परमता विच भी रहिंदियां हो तो आत्मा रूप विच भी थोड़ी रूहानी रियलिटी विशेष है। सर्व आत्मा दी रियलिटी रूप विच है पर थोड़ी चमक सर्व आत्मा विच श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम अनादिकाल तो थोड़ी झलक फलक न्यारी है। जिमें आकाश विच देखिया होवेगा सितारे सब चमकते है। सब रॉयल्टी ही है पर सर्व सितारियां विच कोई विशेष सितारियां दी चमक न्यारी अते प्यारी हुंदी है। इमें ही सर्व आत्मा दे विच तुसी आत्मा भी चमक रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी दी चमक न्यारी है। याद आ रहा है ना फिर आदिकाल विच आओ। आदिकाल नू याद करो तो आदिकाल विच भी देवता स्वरूप विच रूहानी रॉयल्टी दी परसनैलिटी किन्नी विशेष रही। सारे कल्प विच देवता स्वरूप दी रॉयल्टी किसी दी रही है। रूहानी रॉयल्टी प्योरिटी दी परसनैलिटी याद है ना पांडव नू भी याद है। याद आ गया फिर आधा कल्प विच जाओ तो आधा कल्प आधा काल दुआपर तो लेके थोड़े जो पूज्य चित्र बनाते हैं उन्हां चित्रां दी रॉयल्टी अते पूजा दी रॉयल्टी द्वापर तो हुण तक किसे चित्र दी है। चित्र तां बहुतियां दे है पर अजिही विधि पूर्वक पूजा होर किसे आत्मा दी है। भावें धर्म पिता है भावें नेतावां है भावें अभिनेतावां है चित्र तां सब दे बणदे। चित्रां दी रॉयल्टी अते पूजा दी रॉयल्टी किसे दी देखी है। डबल फॉरनर्स ने अपनी पूजा देखी है तुसी लोकां ने भी देखिया है जां सिर्फ सुनिया है। इमें विधि पूर्वक पूजा अते चित्रां दी चमक रूहानियत होर किसे दी भी नहीं होनी है ना होवेगी। क्यों प्योरिटी दी रॉयल्टी है प्योरिटी दी परसनैलिटी है। अच्छा देख लिया अपनी पूजा नहीं देखी होवे तां देख लेना। हुण लास्ट दे संगम युग ते आओ तां संगम ते भी सारे विश्व दे अंदर प्योरिटी दी रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन दा आधार है। प्योरिटी नहीं तां प्रभु प्यार दा अनुभव भी नहीं सर्व आत्मा प्राप्तियां दा अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन दी परसनैलिटी प्योरिटी है अते प्योरिटी दी रूहानी रॉयल्टी है। तां आदि अनादि आदि मध्य अते अंत सारे कल्प विच इह रूहानी रियलिटी चलदी रही है। तां अपने आप नूं देखो द्वापर तां थोड़े सब दे कोल है ना दर्पण तां थोड़े सब दे कोल है दर्पण है देख सकते हो। साढ़े अंदर प्योरिटी दी रॉयल्टी किन्ने परसेंट है। साढ़े चेहरे दे
प्योरिटी की झलक दिखाई दिंदी है, चरण विच प्योरिटी की फलक दिखाई दिंदी है। फलक मतलब नशा, चलन विच ओ फलक मतलब रूहानी नशा दिखाई दिंदा है। देख लिया अपने नू, देखण विच किन्ना समय लगता है, सैकिंड ना तो सब ने देखा है अपने नू। कुमारियां, झलक फलक है, अच्छा है, सब उठो खड़े हो जाओ। कुमारियां लाल पट्टा लगा के बैठी है जिस ते लिखा है एक व्रता, सोहना लगता है ना। एक व्रता का अर्थ है प्योरिटी की रियलिटी, तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, उत्थे जाके कच्चा नहीं कर लेना। अते कुमार ग्रुप उठो, कुमारा का ग्रुप भी चंगा है, कुमारा के दिल नाल प्रतिज्ञा का पट्टा बंध लिया है। इन्होंने कुमारिया ने तो बाहर तो भी बंध लिया है, प्रतिज्ञा का पट्टा बंधिया है कि सदा मतलब निरंतर प्योरिटी की परसनैलिटी विच रहन वाले कुमार है। इवें है बोलो जी हाँ, ना जी हाँ जी, ना जी हाँ, जा उत्थे जाके पत्र लिखोगे थोड़ा थोड़ा ढिला हो गया। इवें नहीं करना, जदों तक ब्राह्मण जीवन विच जीना है उदों तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। इवें वायदा है, पक्का वायदा है तो हाथ उठाओ। टीवी विच थोड़ा फोटो निकल रहे है, जो ढिला होगा उसनों ये चित्र भेजांगे, इसलिए ढिला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ पक्का है, पांडव तो पक्के होंगे है, पक्के पांडव बहुत वधिया। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना शुभकामना, कोई किमें का भी हो पर पवित्र वृत्ति मतलब शुभ भावना शुभकामना अते पवित्र दृष्टि मतलब सदा हर एक नू आत्मिक रूप विच देखना अते फ्रिश्ता रूप विच देखना, ता वृत्ति दृष्टि अते तीसरा है कृति मतलब कर्म विच, ता कर्म विच भी हर आत्मा नू सुख देना अते सुख लेना है। ये है प्योरिटी की निशानी, वृत्ति दृष्टि अते कृति तिन्ना विच ए धारण होवे। कोई कुछ भी करता है, दुख भी दिंदा है, इनसल्ट भी करता है, पर साडा कर्तव्य की है कि दुख देने वाले नू फॉलो करना है जा बाप दादा नू फॉलो करना है, फॉलो फादर है ना। ता ब्राह्मण ब्रह्मा बाप ने दुख दिता अते सुख दिता, सुख दिता ना, ता तुसी मास्टर ब्रह्मा मतलब ब्राह्मण आत्मा नू की करना है। कोई दुख देवे ता की तुसी की करोगे, दुख दोगे नहीं, दोगे बहुत दुख देवे है, बहुत गालियां देते, बहुत इंसल्ट करे, ता थोड़ा ता फील करांगे जा नहीं, कुमारियां फील करेगी थोड़ा, ता फॉलो फादर। ए छोटे मेरा कर्तव्य की है, उसका कर्तव्य देख अपना कर्तव्य नहीं भुलो। ओ गाला दे रहे है, तुसी सहनशील देवी सहनशील देव बन जाओ, थोड़ी सहनशीलता ना गाला देने वाले भी थानू गले लगाएगा। सहनशीलता विच इन्नी शक्ति है, पर थोड़े समय पर थोड़ा समय सहन करना पैंदा है, तो सहनशील दे देव अते देवियां हो ना हो, सदा यही स्मृति रखो। मैं सहनशील दा देवता हाँ, मैं सहनशील दी देवी हाँ। तो देवता मतलब देन वाला दाता, कोई गाला दिंदा है रिस्पैक्ट नहीं करता है तो किचड़ा है ना कि चंगी चीज़ है, तो तुसी लेंदे क्यों हो, किचड़ा लिया जाता है कि कोई थानू किचड़ा देवे तो तुसी लोगे नहीं लोगे ना, तो रिस्पैक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता है, गाला दिंदा, थानू डिस्टर्ब करता है, तो यह है चंगी चीज़ है, फिर तुसी लेंदे क्यों हो, थोड़ा थोड़ा तो ले लेंदे हो, पिछों सोचते हो नहीं लेना सी तो हुण लेना नहीं, लेना मतलब मन यह धारण करना फील करना, तो अपने अनादिकाल आदिकाल मध्यकाल संगमकाल सारे कल्प दे प्योरिटी दी रियलिटी परसनैलिटी याद करो। कोई की भी करे थोड़ी परसनैलिटी नू कोई खो नहीं सकता, ये रूहानी नशा है ना, अते डबल फॉरनर्स नू ता डबल नशा है ना, डबल नशा है ना, सब गाना दा नशा डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बन का भी डबल नशा है ना डबल। सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कदी नहीं भुलना। अच्छा जो प्रवृत्ति वाले है मतलब जुगल, उमें सिंगल रहिंदे है, कहण विच जुगल आंदे है, वो उठो खड़े हो जाओ,
जुगल ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਕੁਮਾਰ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥੋੜੇ ਹੈ, ਕੁਮਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਜੁਗਲ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੁਗਲ ਮੂਰਤ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੁਗਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੇ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਥ ਰਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹਿਜ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਈਜ਼ੀ ਕਦੀ ਲੇਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੇ ਡਰਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੋਂ ਨਿਵ੍ਰਿਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਭ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰੋ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਇਹੀ ਸੰਗਮ ਯੁੱਗ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸੌ ਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਸੈਂਪਲ ਕਹੋ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ, ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪੱਕੇ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਟੀਚਰਸ, ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਟੀਚਰਸ ਉਠੋ। ਅੱਛਾ, ਪਾਂਡਵ ਵੀ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਹੈ, ਵਾਹ। ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਫਿਊਚਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਫੀਚਰਸ ਤੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਵਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਟੀਚਰਸ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਟੀਚਰਸ ਹੈ, ਫੋਰਨਰ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਸ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਏ ਹੈ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਟੀਚਰਸ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੱਲਣ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਟੀਚਰ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਰਵਵਿਆਪੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛਿਪ ਜਾਏ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਦੀ ਡੇਟ ਕੀ? ਡੇਟ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਡੇਟ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦੀ? ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕਰੋਗੇ, ਚਾਲੂ ਕਰਨਗੇ, ਚੰਗੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 2002 ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਲੇ ਤੋਂ, 2000 ਕਦੋਂ ਤੱਕ? ਤਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਬਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੁਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਸ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਕਰੋਗੇ ਪੱਕਾ? ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸਦੀ ਆਸ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੇਵਾਧਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਸੈਂਪਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਬਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜੋ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੂੰ ਉਲਾਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ? ਤਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਉਲਾਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ ਬਣੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਨਕ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉਮੰਗ ਹੈ।
कोई देश रह नहीं जाए। अच्छा है, बाप दा उलाना ता पूरा करोगे ना, पर तुसी दादी जानकी साथियां नू थकाउंदी बहुत है। थकाउंदी है ना, जनती थकाउंदी नहीं है, जनती थकाउंदी नहीं है, पर ए थकावट विच मौज समाई हुई हुंदी है। पहले लगदा है कि ए बार बार की है, पर जदों भाषण करके दुआमा ले लेंदे है तां चेहरा बदल जांदा है। अच्छा है, दोवां दादियां विच उमंग उत्साह वधाउण दी विशेषता है। ए शांत करके बैठ नहीं सकते, सेवा हले होई रही हुई है ना। जेकर नक्शा लेके देखो, भावें भारत विच भावें विदेश विच, जेकर नक्शे विच एक एक स्थान दे राइट लगांदे जाओ तां दिखाई देखणगे कि हुण भी रहे हुए है। इसलिए बाप दादा खुश भी हुंदे है अते कहिंदे भी है, ज़्यादा नहीं थको, तुसी सब सेवा तो खुश हो ना। ओ हुण एक कुमारियां भी तां टीचर्स बन गया ना, जो टीचर्स है ओ तां है ही, पर जो टीचर नहीं है ओ टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर संभाल गया ना, हैंड्स बन गया ना। डबल विदेशी बच्चियां नू दोवें कम करन दा अभ्यास ते है ही, जॉब भी करते हैं सेंटर भी संभालते हैं, इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देंदे है। अच्छा, चारों पासे दे अति स्नेही अति समीप सदा आदिकाल तो हुण तक रॉयल्टी दे अधिकारी सदा अपने स्नेह ते चलन नाल प्योरिटी दी झलक दिखाउण वाले सदा खुद नू सेवा अते याद विच तीवर पुरुषार्थ द्वारा नंबर वन बनाउण वाले सदा बाप दे समान सर्वशक्ति सर्व गुण संपन्न स्वरूप विच रहण वाले इमें दे सर्व वल दे हर एक बच्चे नू बाप दादा दा याद प्यार अते नमस्ते। विदेश दी मुख टीचर्स भैणां नाल सब ने सेवा दे प्लान चंगे चंगे बनाए है ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो उदों थोड़ा राज आए। तां सेवा दा साधन भी जरूरी है, पर मनसा भी होवे वाचा भी होवे नाल नाल होवे, सेवा ते सहमति दोवां दा साधन होवे। ਇਵੇਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮੀਪ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਤਾਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਭ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਜੋ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖੁਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਰਿਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਓ। ਬਾਕੀ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਸੇਵਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਖੁਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਚੰਗੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ 29 ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, 29 है ना, चंगा है, चंगा हो रहा है ना, हो रहा है अते हुंदा रहेगा। हुण सिर्फ जो वख वख बिखरे हुए है उन्हां नू संगठन करके उन्हां नू पक्का करो, प्रैक्टिकल सबूत सब दे अगे दिखाओ। भावें कोई भी सेवा कर रहे हो, वख वख प्लान बनांदे हो, कर भी रहे है, चंगे चल भी रहे है, उन्हां सब दा ग्रुप एक सामने लियाओ, जो सेवा दा सबूत सारे ब्राह्मण परिवार दे सामने आ जाए, ठीक है ना। बाकी सब चंगे है, चंगे तो चंगे है। अच्छा, ओम शांति। वरदान अज दा 3 समृतियां दे तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाउण वाले अचल अडोल भव। 3 समृतियां दे तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाउण वाले अचल अडोल भव। अज बाप दादा आखदे ने, बाप दादा ने सब बच्चियां नू 3 समृतियां दा तिलक दिता है। एक स्वय दी समृति, फिर बाप दी समृति अते श्रेष्ठ कर्म दे लई ड्रामे दी समृति। जिन्हां नू ए 3 समृतियां सदा है उन्हां दी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा दी समृति दे नाल बाप दी समृति अते बाप दे नाल ड्रामे दी समृति अति जरूरी है, क्योंकि कर्म विच जेकर ड्रामे दा ज्ञान है तां थल्ले उपर नहीं होणगे, जो भी वख वख परिस्थितियां आउंदियां है उस विच अचल अडोल रहणगे। स्लोगन है दा, दृष्टि नू अलौकिक, मन नू शीतल अते बुद्धि नू रहम दिल बनाओ। दृष्टि नू अलौकिक, मन नू शीतल अते बुद्धि नू रहम दिल बनाओ। ओम शांति।